नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं जो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए है। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि अभी का अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और MI लाइफस्टाइल के इंडिया ग्रो ब्रांड के पास में आज ऐसे बहुत सारे अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आज किसानों की बहुत मदद कर रहा है उनकी खेती को और बेहतर बनाने के लिए। तो इसी के चलते आज हमारा एक ये वीडियो है। आज की जो मौजूदा हालत को देखकर ये वीडियो हम बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसान भाई हमारे जितने भी हैं वो मौसम के बदलाव के कारण, पर्यावरण जो बदल रहा है, मौसम बार बार कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड है, कभी कोहरा ज़्यादा है, तो इन सब के कारण खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं और बहुत मात्रा में केमिकल दवाइयों का स्प्रे हो रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी खेती को और ज़्यादा कमज़ोर बनाते जा रहा है, लागत को बढ़ाते जा रहा है। अभी मैं आज आपको इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स में क्या ऐसे सॉल्यूशन मिल सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा वीडियो लगता है कमेंट्स जरूर कीजिएगा, राइट। तो आज हम एग्रीकल्चर में जो है, हमारा देश कृषि प्रधान क्षेत्र है, आज हमारे अगर हम बात करते हैं इस सीजन की, तो अभी हमारे यहाँ पर किसान भाइयों ने लगाया हुआ है गेहूँ और चना। अब गेहूँ और चना लगाया हुआ है, बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी पैदावार होती है, लेकिन अब आज के समय में क्या हो रहा है कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, बारिश जो बार बार आ रही है उसके कारण किसान को बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस का अटैक का सामना करना पड़ रहा है, उसकी फसलें जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस लग रहा है। अगर हम चने की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस लग रहा है, गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में भी फंगस आने के बाद में पीलापन आ रहा है, चने में भी वही स्थितियाँ बनी हुई है। अब इन स्थितियों में किसान बार बार फंगीसाइड जितने भी तरीके के आते हैं उनका स्प्रे कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दवाइयों का स्प्रे कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने के लिए जा रहा हूँ कि क्या डालना चाहिए जिससे हमारे जो फसल है वो एक ही बार में अच्छी हो जाए और हमको चार तरीके की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, राइट। सो सबसे पहली चीज़ है, आप अगर अब जो स्प्रे करने वाले हैं, यहाँ पर आपको ज़रूरत है, आपके खेत में अगर फंगस है तो आपको ज़रूरत है खेत में फंगस के लिए ट्रीटमेंट करने के साथ में पौधे के न्यूट्रिशन को बढ़ाने की भी जरूरत है, बिकॉज ऑफ फंगस के अटैक के कारण पौधा क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। और पौधा जब कमजोर हो गया है तो क्या हो गया है कि अब उसमें उतनी क्षमता बच नहीं रही है जिसके कारण वो डेवलप हो पाए, क्योंकि बहुत सारे खेतों में अगर आप जाकर देखेंगे लगभग 60-70 दिन की फसलें हो चुकी हैं बट फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, वो हाइट नहीं ले पा रही हैं, वो उस तरीके से ब्रांचिंग नहीं कर पा रही हैं। तो अब आपको ये जो स्प्रे मैं बता रहा हूं उसमें आपको क्या करना, अगर आपका चना है, राइट, तो चने के लिए क्या स्प्रे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका चना है जो फूल पे आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, ओलिव का इस्तेमाल करना है। ओलिव ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फॉर्मूला, जो 16 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पौधे को जरूरी तत्व होते हैं वो चाहिए होते हैं वो इसके अंदर मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरान, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, सारी चीजें हैं जो एक पौधे को तंदुरुस्त रखता है, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करें। यह लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी में जाता है, तो एक 250 लीटर पानी का घोल ये एक बॉटल से बन जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको हमारे ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है, साथ में इंडिया ग्रो का ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है। ये ग्रो मैजिक लगभग लगभग आपका एक 1.5 एकड़ के आसपास में चला जाएगा और इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये देता है उसको पौधे को पूरे जो बैलेंस हार्मोनल सिस्टम होता है, राइट, सेंट्रल हार्मोनल सिस्टम जो होता है पौधे का उसके ऊपर ये काम करता है। जब उसके ऊपर काम करता है तो पौधे का ग्रोथ, आप एक चीज़ देखिए कि सारा सिस्टम हमारा बॉडी का सिस्टम चलता है हमारे हार्मोन से, कितना हाइट होगा हमारा, कितने हमारे हाथ लंबे होंगे, कितने हमारे पैर लंबे होंगे, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, हमारे हार्मोन्स के ऊपर। तो ये पौधे के ऊपर भी वही चीजें लागू होती है, तो ये डालने से क्या होगा, पौधे का पूरे बैलेंस हार्मोन सिस्टम के ऊपर ये काम करेगा जिसके कारण पौधे का हाइट, पौधे का हेल्थ, पत्तियों की संख्या, ब्रांचिंग, तनों में आपको वो जो तने की मोटाई, आपको उसमें और ज्यादा ब्रांचिंग, ये सब होते हुए दिखेगी। उसके बाद में हमारे जो फूल हैं
उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी, जब फूलों की संख्या ज्यादा मिलेगी तो फलों की संख्या ज्यादा होगी, और जब फलों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारी पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो फूल से फल में कन्वर्जन ज्यादा होगा, चना आपका एक जैसे आएगा, भरा हुआ रहेगा। ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल इसके साथ में आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है हमारे फंगस के लिए जो आता है। देखिए फंगस के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, नो डाउट, राइट, बट ये ऑल इन वन काम करता है। हर तरीके की फंगस के ऊपर एक सिंगल प्रोडक्ट है जो काम करता है, और ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा आपके खेत में। ये सारे प्रोडक्ट्स में आपको आंखों देखा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये अप्रॉक्स लगभग आपको 1.5 एकड़ के आसपास में ये भी जाता है। उसके बाद में हमारा सबसे एक और बेहतरीन प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं एमआई स्प्रे। एमआई स्प्रे काम करता है आपके, जिसको हम बोलते हैं मार्केट में सब लोग बोलते हैं चिपकू, राइट, बट ये समझिएगा कि चिपकू के नाम पे तो बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ चिपकाते हैं, बट ये चिपकू के तौर पे मत लीजिए। ये काम करता है एक तो स्प्रेडिंग, राइट, इसमें मेरे आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे जहां पर स्प्रेडिंग बताया हुआ है। स्प्रेडिंग पे काम करता है। देखिए हम दवाइयां तो डालते हैं, बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयां डालते हैं, और क्या करते हैं, लागत कैसे बढ़ती है, जहां पर हमारा 4 स्प्रे पंप में, जहां पर हमारा 1 एकड़ में हो जाना चाहिए, वहां पर हम 5-5, 6-6 डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्यों, ताकि अच्छे से हमारा खेत जो है वो भीगे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये करने से हमारी दवाई की लागत ये सब बढ़ती जा रही है। अब जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दवाइयों का आप स्प्रे को आप तेज भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पड़ेगा पत्ते के ऊपर, पत्ते को कवर कर लेगा, पत्ते को स्प्रेडिंग का काम करेगा, पेनेट्रेटिंग का काम करता है, मतलब पत्ते के हर एक जगह पीछे की साइड तने में हर जगह दवाई को लेकर जाने का काम करता है। उसके बाद में काम करता है आपके स्टिकिंग का काम करता है, आप जो दवाई हमने स्प्रे किया उसको चिपकाने का काम करता है, दवाई की गुणवत्ता को बढ़ाता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पौधे को बचाता है, अल्ट्रा, उसके बाद में आपका पॉलिनेटर का काम करता है जो मधुमक्खियों को खेत में आकर्षित करता है, राइट, दवाइयों के घोल को अलग अलग रखने का काम करता है। इस तरीके से मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करता है हमारा एमआई स्प्रे। या प्रति पंप 3 से 5 ml डिपेंड करता है, अगर पत्ती खुरदुरी है तो आप 3 से 4 ml में काम हो जाएगा, अगर आपकी पत्ती थोड़ी चिकनी है तो 3 से 5 ml, आपको डिपेंड करता है आपकी फसल के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस सीजन में ज्यादा मत कीजिए, 2-3 एकड़ 4 एकड़ में ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट आपकी आंखों के सामने दिखेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ट्राई कीजिए, 3-4 एकड़ जो भी है आप ट्राई कीजिए, राइट। सो इससे आप कर सकते हैं। अब ये इससे आपका जो फंगस का अटैक है वो भी खत्म होगा, दूसरी चीज आपके पौधों में ग्रोथ अच्छी होगी, उसके बाद में वो आपको खेत अलग ही भरा हुआ दिखेगा, अलग ही ब्रांचिंग और अलग ही आपका जो एक एक गोड़ है ना वो इतना अच्छा भरा हुआ दिखेगा आपको। इसमें आपको आप जरूर चने में इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद में गेहूं की अगर हम बात करें, फंगस लगा हुआ है आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राउड डालिए, राइट, थोड़ा ये जब कॉम्बिनेशन में आप जिससे भी लेंगे वो आपको कॉम्बिनेशन में करके देंगे, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, एमआई स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, गेहूं में भी सेम चीज रहेगा। और इस सीजन में जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी फसलें लगी हैं पूरे भारत देश में, कहीं भी कुछ भी फसलें लगी हैं, इसी तरीके से इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा। सो जो भी आपको ये वीडियो शेयर कर रहा है आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें, एक बार आप जरूर से जरूर इसका इस्तेमाल करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 101% आप इन प्रोडक्ट्स को अगर एक बार 2-3-4 एकड़ में ट्राई करेंगे, 100% हर एक नेक्स्ट सीजन में आप इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।